ठीक है, वेलकम मजमू। मैं हूँ देविका और ये है थर्ड पार्ट ऑफ उज्जैन। और आज हम जा रहे हैं ओमकालेश्वर। तो हमें होटल से सबसे पहले चेकआउट करना होगा। ओमकालेश्वर से सीधे हम घर जाएंगे और ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगी। आई एम ऑलरेडी। और हाँ, ये जैसा सोच रहे होंगे तो 2 दिन से यही लगा रही है। मैं वैसे इसी फ्रॉक के रह रही हूँ, ये फ्रॉक भी ब्लू, ये चश्मा भी ब्लू, बट अच्छा लगा तो सब में लगा लिया, जो भी है अभी लगा लिया। आए अभी हम रेस्टोरेंट में पोज जलेबी खा रहे हैं। यहाँ का फेमस पोज जलेबी है तो वही खाना पड़ेगा। वैसे मैं चाहती हूँ पहले पहले फ्राइज खाना, वो भी दो दिन खा ही नहीं पा रही हूँ मैं। वही पोहे और जलेबी, पर मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी और जलेबी मंगवाई है। कोल्ड मैंने अपने लिए मंगवा ली कोल्ड कॉफ़ी, कड़वी है। गाइस अभी हम निकल चुके हैं किसके ओमकालेश्वर के लिए निकल चुके हैं। और मैंने बैठे बैठे थोड़ी देर हो गई, फिर याद आया अरे हाँ मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो चलो मैं रास्ते नहीं दिखा रही, आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको सीधे मिलती हूँ। जीवन फल पावे करो जुग परताव तुम्हारा उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन पवन तरे संकट हर मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहेत हृदय महो श्री रूप। प्यारा
दिल के मेरे सपनों के चलो यार ये मम्मी ने जूड़ा बना दिया हटाएगा नहीं। हाँ ले लिया है। रास्ते में सच बताऊँ बहुत मजे किए हैं। चल पूरी डांस होती रही है। अच्छा सबने मजे के दिए। हाँ सबने मजे किए नाचे। अंजय को नाची नहीं थी। हाँ देख हनुमान चाली से भी गई थी हमने। उसके बाद मैं सो गई। ले लिया बट अभी मैं नहीं ले रही और मैं अभी नहीं लेना चाहती हूँ। मैं आऊँगी जब लूँगी। दिखा अंजय तूने क्या लिया। हम क्या मतलब क्या
गाइस अभी हम आए हैं खाना खाने और मंदिर में ऑब्वियसली कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हमने कैमरा मतलब लिया फिर किया भी नहीं और अंदर का सौदा लिया भी नहीं। ठीक है अब खाना आएगा जब भी कैमरा खोलूँगी, ऐसे खाली पेट दिखाने से होता क्या है। फाइनली दाल तो आ ही गई, फाइनली अभी यार तरफ निकल दे रहे हैं, खाना खाना खा लिया सब कुछ हो गया, हम निकल के सीधे घर पहुँचना है। चार डेढ़ घर ही पहुँचेंगे क्योंकि यार चार तो बज रहे हैं, क्योंकि यार घर पहुँचेंगे ये पता नहीं। रही है ना बहुत प्यारी यार, रियलिटी में देखने में तो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है सच्ची में। मैं इसको अभी देख रही हूँ ना रियलिटी में, और पता है इसका अभी जहाँ तक तो अभी आप देख रहे हो ना इस नदी को, इतना पानी इसका गहरा भी नहीं है, बट थोड़ा आगे जाके गहरा हो गया है। हाँ अब थोड़ा गहरा है, अब बहुत गहरा है, अब गहरा है वैसे, हाँ ठीक है अब गहरा है, पर इसकी आगे आगे वाला हिस्सा था ना वो गहरा नहीं था इतना, अगर आप उसमें आपके आधे पैर ही जा पाएंगे मुश्किल से। इसलिए मैं दर्शन करने फिर हमने सबने खाना खाया, मन नहीं था प्रसाद के रूप में। आरती से हम आ चुके हैं, हमने आरती में घंटियां बजाई थी, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की, वही वो करने और वो हमारा प्लान चेंज हो चुका है, हम सीधे घर नहीं जा सकते क्योंकि यार आप देख सकते हो रात हो चुकी है, मैं पूरे दिन मंदिरों के दर्शन करने में ही निकल गया, उधर पहुंचने में लग गया हूँ, कहाँ गए थे ओमकालेश्वर जाने में थोड़ा, हाँ ओमकालेश्वर जाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते वहाँ से आते आते यहाँ तक आश्रम में उसमें भी टाइम लग गया, फिर हम देखते हैं कहाँ रुकेंगे अभी। और ठीक है फिर चलो देखते आया खाना हमने, यहाँ पे बातचीत चल रही है, चलो आराम से चल। हाँ हाँ आराम से, तो आज हम सीधे डायरेक्ट घर पहुँचेंगे, कहीं बीच में रुकेंगे नहीं। बादाम का पेड़ है, बादाम लग भी रहेगा इसमें, देखो आओ। ठीक है तो गाइस अभी हम वैन में बैठ चुके हैं और सीधे घर जाएंगे, इंदौर है अभी हम, इंदौर में हैं और क्या कहते हैं उसको, तो वो है गुरु कृपया होटल में। अच्छा तो गेस्ट हाउस है ना यार, है तो इंदौर में ही। अच्छा पापा ने वो चूज किया था टुकड़ा वाला, टुकड़ा वाला। तो ठीक है तो गाइस अभी हम सिर्फ खाने के लिए रुकने वाले हैं, वैसे कहीं नहीं रुकने वाले हैं, तो पापा बैठे हैं आगे, यहाँ पे बाबा, यहाँ पे दोनों अम्मा बैठी हैं, यहाँ पे मम्मी बैठेंगी, यहाँ पे चाचू बैठेंगे पर अभी आए नहीं है, यहाँ पे चाची बैठी हैं, मम्मी कहाँ बैठेंगी, कहाँ पे बच्चा पार्टी, यहाँ बैठी है बच्चा पार्टी। ठीक है तो गाइस अभी हम बस निकलेंगे, नहीं अभी मेरे चाचू आए नहीं है नहा के और हम सब रेडी है, अभी नहाएंगे तो गाइस ये रही मेरी बहन, ये बनाती है व्लॉग और ये बोलती है बच्चा बाड़ी, और ये रही हमारी बहन सबसे छोटी, छोटी से छोटी, और भाई ये रही हमारी पूरी बस हो गया, हो गया।
मतलब गाइस थोड़ा नहीं हमसे ना शुभ मतलब हमें गिराना पड़ता है, हमें कुछ गिराना पड़ता है जब भी हमारा कुछ होता है, मतलब यही बात है। बस तेरो अब बस अब थक चुके हैं, बस चलो बाय। अच्छा अभी सब खाना खाना रुके हैं, पर मुझे कुछ नहीं खाना है इसलिए मैं इधर आ गई हूँ गार्डन में। मुझे नहीं खाना है, मुझे खाना नहीं खाना। कुछ नहीं, वो मतलब बैठा हुआ है। तो उसे कहते हैं अंदर आ जाए, अंदर लेट जाएगा, सो लेगा। ठीक है मैं खाना तो खाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ ये पीने वाली हूँ।